दोस्तों, सोफ्रामाइसिन एक ऐसी क्रीम है जिससे आप सभी फैमिलियर होंगे, ऑलरेडी उसका नाम सुने होंगे, उसका यूज़ भी किए होंगे। और मेरा मानना है जहाँ तक कि 80% घरों में लोगों के पास सोफ्रामाइसिन क्रीम अवेलेबल होता है, जो कि वो एक इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा लेते हैं। तो आज इसी क्रीम के बारे में हम बात करेंगे कि इसका यूज़ क्या है और इसके यूज़ करने में हमें क्या क्या सावधानियाँ रखना है। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, आपको इस क्रीम की सारी जानकारी दूंगा ताकि आप इसका सही इस्तेमाल जान सकें और इसका इस्तेमाल सही तरीके से करते रहें। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अयाज एंड यू आर वॉचिंग वेलफ्रेश। दोस्त बताएंगे सोफ्रामाइसिन क्रीम है क्या चीज़। सोफ्रामाइसिन एक स्किन क्रीम है जो कि कंटेन करती है अपने अंदर फेरामाइसिन, जो कि फेरामाइसिन एक अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो स्किन में ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शन पैदा करते हैं उनको फैलने से रोकता है और उससे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। चलिए अब इसके यूज़ की बात कर लेते हैं कि किस किस कंडीशन में और स्किन में कब इसका यूज़ करना है। तो पहला स्किन इसका यूज़ है दोस्त बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। अगर स्किन में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जिसके वजह से आपको दाने वगैरह या खुजली वगैरह इरिटेशन होती है स्किन में, तो उस कंडीशन में सोफ्रामाइसिन क्रीम आप लगा सकते हैं। इसमें दूसरा आएगा दोस्त इन्फेक्टेड कट। अगर इन्फेक्शन हो जाए और उसमें कट हो जाए तो उसका में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है दोस्त अल्सर। अगर छाले हो, नॉर्मल छाले हो, छोटे छाले हो, उस कंडीशन में अगर एंटीबायोटिक का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कि इन्फेक्शन को फैलने से आपको बचा सकता है। अगर अल्सर की बात करें तो दोस्त हाथों में कभी कभी हमें छाले हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब वर्कआउट करते हैं तो वेट उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग की वजह से अक्सर हाथों में छाले आ जाते हैं। उस कंडीशन में भी सोफ्रामाइसिन क्रीम को उन छाले में इस्तेमाल कर सकते हैं। और छाले में दूसरा जो कॉजेज है उसमें बोल सकते हैं दोस्त पैरों में छाले। अक्सर रनिंग करने में पैरों में छाले आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी सोफ्रामाइसिन को हम लगा सकते हैं। माइनर घाव हो जाना, यानी छोटे मोटे अगर घाव हो जाते हैं स्किन पे, तो उस कंडीशन में भी सोफ्रामाइसिन क्रीम को आप स्किन में लगा सकते हैं। मेरे दोस्त माइनर बर्निंग, अगर स्किन में कहीं बर्निंग हो जाती है जिसके वजह से या कुछ जल जाती है स्किन, तो उस कंडीशन में भी सोफ्रामाइसिन को आप लगा सकते हैं। अब दोस्त बताऊंगा आपको क्या क्या सावधानियां रखना है सोफ्रामाइसिन क्रीम को लेकर। अगर बॉडी में ज़्यादा एक मेजर कट हो जाता है जिससे ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में सोफ्रामाइसिन क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है ब्लीडिंग की कंडीशन में। क्योंकि अगर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में अगर वो सोफ्रामाइसिन क्रीम चली गई हमारे ब्लड के थ्रू, अगर सर्कुलेशन में अंदर चली गई, तो वो दूसरा इन्फेक्शन आपको पैदा कर सकती है जो आपके लिए और ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कभी भी सोफ्रामाइसिन का इस्तेमाल करना है तो दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ध्यान देना है 5 घंटे का इंटरवल देना है, यानी 5 घंटे के गैप में ही दूसरी बार इसको लगाना है और एक दिन में मैक्सिमम 3 टाइम ही इसको इस्तेमाल करना है। 5-5 घंटे के इंटरवल में एक दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। और तीसरा है दोस्त मेजर वाउंड, यानी बड़ा घाव हो जाए या ज़्यादा ब्लीडिंग वाली कंडीशन का घाव हो जाए तो उस कंडीशन में सोफ्रामाइसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह अगर मेजर बर्निंग हो जाए, अगर आप जल जाएँ, ज़्यादा जल जाएँ अगर किसी आग से, तो उस कंडीशन में भी सोफ्रामाइसिन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें स्किन की लेयर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। लगाने के टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी एक चीज़ की और रखना है आपको कि ये आँख में ना जाए, आपके माउथ में ना जाए और ना ही आपकी नाक में जाए। अगर इस आसपास के किसी पार्ट में आपको लगाने की कंडीशन आती है तो आपको ध्यान देना है आँख में, नाक में और मुंह के अंदर ये क्रीम ना जाए, बहुत ध्यान से आपको लगाना है। तो सोफ्रामाइसिन क्रीम आप घर पे रखते हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इन सारी जानकारियों को, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि उससे कोई बड़ा इन्फेक्शन अगर आपको कॉज हो जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में सोफ्रामाइसिन क्रीम के बारे में बस इतना ही आपके लिए था। उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आया होगा, जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो को शेयर भी करना ताकि लोगों तक भी ये जानकारी आप तक आपसे फैलती जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रहिए हेल्दी, अवेयर एंड गुड बाय।